Hi students, today I am going to explain you on subject GK of class 1st, chapter number 20. The name of the chapter is Useful Tools, मतलब कुछ उपयोगी tools. जैसे first है, it is a dash, it is used to work on boards. ये क्या है, figure भी दिया गया है और ये boards पे काम करने के लिए उपयोग होता है. तो ये है एक रिंच. क्या है, एक रिंच. ओके, स्पेलिंग हेल्प बॉक्स में दी गई है, देखिए आप क्लियरली लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, इट इज अ डैश, इट इज यूज्ड टू कट वुड. ये क्या है और इसके द्वारा हम क्या काटते हैं, लकड़ियां काटते हैं. ये है एक सॉ. क्या है, एक सॉ. नेक्स्ट है, इट इज अ डैश, इट इज यूज्ड टू टाइट स्क्रू. ये क्या है और मतलब इसको देखिए, ये क्या है और ये क्या करता है, स्क्रू को टाइट करता है. इसे कहते हैं स्क्रू ड्राइवर. क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर. फोर्थ नंबर पे है, इट इज अ डैश, इट इज यूज्ड टू फॉर ड्राइविंग नेल्स. ये क्या है, ये एक चीज है जिसके द्वारा हम खीलियों को मतलब खीलों पे काम करते हैं. तो ये है एक हैमर. हैमर मीन्स हथौड़ा. फिर उसके बाद इट इज अ डैश, इट इज यूज टू कट थिंग्स. ये क्या है जो कि इस्तेमाल होती है चीज़ों को काटने में. तो ये एक सीजर है. सीजर मीन्स कैंची. इट इज अ डैश, इट इज यूज टू टिल लैंड. ये क्या है जो कि लैंड को मतलब जोतने में मदद करती है. तो ये एक प्लो है. क्या है, प्लो. नाउ सेवन नंबर इज, इट इज अ डैश, इट इज यूज टू फास्टन थिंग. ये एक ऐसी चीज है जो कि चीजों को फास्टन करती है. तो ये क्या है, ये है एक स्क्रू. फिर आगे देखिए, इट इज अ डैश, इट इज यूज टू डिग लैंड. ये क्या है जो कि जमीन को खोदने में मदद करती है. ये है एक शॉवेल. क्या है, शॉवेल. इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच.